नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सेक्टर 3 पुलिस चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल को स्टेट विजिलेंस की टीम ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी को लेकर रिश्वतखोर पुलिसकर्मी के परिजनों और विजिलेंस टीम के साथ जमकर कहासुनी भी हुई। बताया जाता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 6,000 रुपए पहले ही ले चुका था। सोमवार को 4,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सेक्टर 3 निवासी शंभुनाथ यादव ने करीब 1 साल पहले किसी को गाय 30,000 रुपए में बेची थी। लेने वाले ने 10,000 रुपए ही दे दिए थे, बाकी 20,000 रुपए बकाया था। पैसे ना देने पर अपनी गाय वापस ले आया। बताया जाता है कि जिससे गाय बेची थी वो शिकायतकर्ता की भैंस खोल ले गया और उल्टे शिकायतकर्ता के पोते के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल से भी की गई थी। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर ने केस को मैनेज करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 6,000 रुपए शिकायतकर्ता भी दे चुका था। इसके बाद उसने डीजी विजिलेंस को इसकी शिकायत कर दी। डीजी के आदेश पर स्टेट विजिलेंस की टीम गठित कर सब इंस्पेक्टर को रेड हेड करने की योजना बनाई गई। सोमवार को आरोपी सब इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता को सेक्टर 3 कम्युनिटी सेंटर में बुलाया था। वहां किसी शादी समारोह में शामिल था। विजिलेंस ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। शिकायतकर्ता ने जैसे ही 4,000 रुपए की रिश्वत दी, विजिलेंस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के परिजनों ने विजिलेंस टीम के साथ काफी नोकझोंक भी की। इतना ही नहीं, आरोपी सब इंस्पेक्टर रिश्वत की रकम को मुंह में भी डकार गया। विजिलेंस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।